हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा सिंपल लाइफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये चना दाल तड़का की रेसिपी। ये दाल तड़का मैं बनाई हूँ चना और मूंग दाल से, बहुत ही डिलीशियस होता है ये। ये ढाबा स्टाइल में बनाई हूँ, तो चलिए हम और आप मिलके बनाते हैं इसे और देखते हैं ये कैसे बनाई हूँ। तो सबसे पहले मैं ली हूँ ये चना दाल। चना दाल है 1 कप, ये 200 ग्राम के बराबर है चना दाल। और मैं इसमें डालूँगी इसमें 50 ग्राम ये मूँग दाल। ये बहुत ज़रूरी है चना दाल तड़का के लिए, ये बाइंडिंग लाता है, बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बन के तैयार होती है। तो इसे अच्छी तरह से वाश करके और सिंपल सा इसमें नमक भी डालकर इसको बॉयल करेंगे 4 से 5 विसल आने तक। तो मैंने वाश कर लिया है और इसका ट्रिपल पानी डालना है हमें, जितना आप डाल लें उसके 3 गुना पानी डालना होगा। सबसे पहले तो मैं इसमें जो लगा हुआ है उसको वाश करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी अच्छा खासा। ये मेरे पास 250 ग्राम दाल है, 200 ग्राम है चना दाल और 50 ग्राम मूंग दाल। तो मैं इसमें ये 250 ग्राम में मैं 3 गुना पानी डालूँगी और इसे 4 से 5 विसल आने तक पकाना है। नमक इसमें थोड़ा कम डालना है, एक चम्मच में डाली हूँ और आधा छोटे चम्मच में हल्दी डाली हूँ। तो इसको 4 से 5 विसल आने तक इसे पकाऊंगी। मैं ज़रा सा इसमें ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये, कभी कभी होता है ना कि हम कुकर में सीटी लगाते हैं और सारा दाल ऊपर बाहर फेंकने लगता है, तो वो काम इसमें नहीं होगा। तो ये मैं इसे बंद करती हूँ और इसे 4 से 5 विसल आने तक पकाती हूँ। ये अच्छी तरह पक जाए फिर लगाएंगे तड़का। तो चलिए अब करते हैं तड़का लगाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ ये सरसों का तेल। ये सरसों का तेल ही इसमें डालें और घी, अदरवाइज इसका टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा, ढाबा स्टाइल नहीं आएगा। तो ये ली है मैंने कुछ चीज़ें, ये एक बड़ी कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और ये बहुत अच्छे खासे मात्रा में है, और ये 1 बड़ा टमाटर, कुछ सूखे मसाले हैं, खड़े मसाले इसको भी मैं डालूंगी, 1 बड़ी ये है दालचीनी, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर और ये जीरा। मैं इसको डाल देती हूँ ऑयल में और ये चटक जा, उसके बाद ये चटकने लगे उसके बाद सबसे पहले डालना है इसमें ये लहसुन, क्योंकि लहसुन में कच्चा फ्लेवर होता है। लहसुन और प्याज ये दोनों चीज़ें होती हैं जिसमें कच्चा फ्लेवर होता है, जो कि मुँह में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो उसे ऑयल में पहले डालना चाहिए जब चीज़ें, कभी भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो अदरक लहसुन और प्याज जो है वो सबसे पहले डालते हैं। तो मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन। वैसे अदरक का कोई ऐसा फ्लेवर नहीं होता है ख़राब, बट लहसुन का कच्चा फ्लेवर बहुत ही मुँह में ख़राब लगता है, तो उसे पहले डालें और ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ये इसी स्टेप से किसी भी चीज़ को फ्राई करना हो, सब्जी बना रहे हो, तड़का बना रहे हो, तो अदरक लहसुन, और आप अदरक नहीं भी डालें तो लहसुन पहले डालें और उसके बाद आप उसमें प्याज डालें और ये दोनों ब्राउन हो जाए, देन डालना है इसमें टमाटर। तो मैं प्याज के साथ ही हरी मिर्च डालती हूँ, ये हरी मिर्च उसके साथ उसका अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है। इसमें ज़रा सा नमक डाल देना है, नमक ध्यान रखना है कि हमने दाल जो बॉयल किया है उसमें भी नमक था, तो नमक उतना नहीं डालना है कि ज़्यादा नमकीन हो जाए, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ ये चपाती से, अगर चावल से आप खा रहे हो तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। वैसे नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर, ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह से भुनना ज़रूरी है। जब तक आप उसका तड़का अच्छी तरह से तैयार नहीं करेंगे तो दाल में टेस्ट नहीं आएगा। दाल का अपना कोई फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए हमें उसमें चीज़ें डालनी होती हैं तड़का। तो कुछ सूखे मसाले में डाल देती हूँ इस स्टेज पे, मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी डाली और एकदम 1/4 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, यह कश्मीरी लाल मिर्च है वैसे, और ये होममेड मसाले है जिसमें जीरा है, धनिया है, गोल मिर्च है, कुछ खड़े गर्म मसाले में डालकर इसको हल्का सा भूनती हूँ, उसके बाद इसका पाउडर बना के रखती हूँ। मेरे होममेड मसाले होते हैं, मैं कई बार ये बातें बता चुकी हूँ और मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी, तो आप एक बार कमेंट करेंगे ज़रूर प्लीज़, तो मैं शेयर करूँगी। और इस स्टेज पे मैं डाल देती हूँ दाल। दाल देखिए कितना बढ़िया से गल गया है,
इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये दाल अच्छी तरह से गल भी चुका है और इसके दाने खड़े भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके दाने कैसे खड़े हैं। देखिए इसके दाने कैसे खड़े खड़े हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये चना दाल खड़ा भी है और ये अच्छी तरह से गल भी चुका है, तो एग्जैक्ट इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये दाल चूँकि पक चुका है और हमारे मसाले भी भून चुके हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस दो मिनट। इसे दो मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना है। इसका मेन चीज़ है इसका तड़का लगाना, वो जो ऊपर से लगेगा, इसका सीक्रेट तो अभी बाकी है। ये बस दो मिनट पकाऊंगी ऐसे खुले में चलाते हुए, मुझे इसे ढक के नहीं रखना है, इसे चलाते हुए बनाना है। तो देखिए कि ये मैं कैसे बना रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका सबसे ज़रूरी चीज़ अब आ गया है सामने, ये है इसका तड़का लगाने की तैयारी। और इसमें मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी का तड़का जो है चना दाल तड़का में जान डाल देता है, तो उसमें डालूँगी मैं कुछ सूखे मसाले। ये है 4-5 बड़े लाल मिर्च, जिसे मैं तोड़ी नहीं हूँ। आप ध्यान दे रहे होंगे मैं लाल मिर्च को तोड़ी नहीं हूँ, ताकि वो ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और मैं इसमें डालूँगी हींग, हींग भी 1/4 छोटे चम्मच। और इसका तड़का हो गया रेडी। इसमें एक और सीक्रेट चीज़ जाएगा, तो वो सीक्रेट चीज़ है ये कश्मीरी लाल मिर्च। और ये डलाएगा कब, जब तड़का लगाना हो, फ्लेम बंद करने के बाद, नहीं तो ये जल जाएगा और बहुत तेज़ खांसी आने वाली है फ्रेंड्स। तो आप अपने घर में कर दें चिमनी को ऑन या एग्जॉस्ट को। और ये है देखिए कितनी डिलीशियस, देखने से कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में तो इतना कमाल का होता है। इसमें ढेर सारा धनिया पत्ती। फ्रेंड्स आप कभी देखे हैं कि हम कहीं जा रहे हों हाईवे पे, जो ढाबा बना होता है वहाँ पर एग्जैक्ट इस तरह के दाल तड़का हमें खाने को मिलता है। और इस तरह से डिलीशियस दाल तड़का आप बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। अगर आपको पसंद आते हों तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये तो मैं बोलूँगी ही। और मेरे चैनल आपको पसंद आते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं बोलूँगी बाय बाय।